हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एनिमे वीकली न्यूज़ के 20th एपिसोड में, जहां आज मेरे पास आपको बताने के लिए न्यूज़ है। जैसे क्रंचीरोल एड्स 3 मोर एनिमे, डोरेमोन स्टेज नंबर 1, डिज्नी प्लस एक्सक्लूसिव एनिमे, 4 न्यू पोकेमोन कैरेक्टर्स, न्यू टीवी चैनल और भी काफी सारी न्यूज़। तो बने रहे मेरे साथ एनिमे वर्ल्ड से अपडेटेड रहने के लिए। और चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। आज की फर्स्ट न्यूज आ रही है जापान एकेडमी फिल्म प्राइज एसोसिएशन से, जिन्होंने लास्ट फ्राइडे एनिमेशन ऑफ द ईयर का किताब द फर्स्ट स्लैम डंक फिल्म को दिया, जहां इस फिल्म ने ये अवार्ड सुजुमे, इनो, वन पीस रेड और लोनली कैसल इन द मिरर को हराते हुए जीता। म्यूज इंडिया अपने यूट्यूब चैनल पर लास्ट फ्राइडे से स्ट्रीम करना शुरू कर दिया है सायुकी रिलोड ब्लास्ट एनिमे को इंग्लिश सबटाइटल के साथ, जिस एनिमे में हमें टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे। वैसे ये एनिमे ऑलरेडी अवेलेबल है म्यूज एशिया यूट्यूब चैनल पर भी। अगर आप टू योर इटर्निटी एनिमे को फॉलो करते हो तो अगली न्यूज आपके लिए है, क्योंकि लास्ट संडे टू योर इटर्निटी के ऑफिशियल ट्विटर पेज ने अनाउंस किया है कि इसका 3rd सीजन हमें जल्दी देखने को मिलेगा, जहां इस सीजन में फूसी अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा और इस सीजन का नाम दिस वर्ल्ड आर्क होगा। अगली न्यूज है क्रंची रोल से, जिन्होंने 3 एनिमे और एड किए हैं इंडिया के लिए, जहां फर्स्ट एनिमे है बुकुरानो, जो कि जापान में 2007 में एयर हुआ था और जिस एनिमे में टोटल 24 एपिसोड है। सेकंड एनिमे है वी विदाउट विंग्स अंडर द इनोसेंट स्काई, जो कि हमने इंग्लिश डब के साथ भी अवेलेबल है। थर्ड एनिमे है वीनस प्रोजेक्ट, जिसमें केवल 6 एपिसोड है और जो जापान में 2015 में प्रीमियर हुआ था। वन पीस ओडिसी बंडाई नेमको की ओर से आने वाले गेम को अब नोवल अडेप्टेशन मिल रही है, जहां इसका मैगजीन सीरियलाइजेशन 2 मार्च को रिलीज होने वाली मूक्स के 16 इशू में देखने को मिला। डोरेमोन की 42nd फिल्म डोरेमोन नोबिता स्काई यूटोपिया जापान बॉक्स ऑफिस पर पिछले 2 वीक से फर्स्ट पोजीशन पर बरकरार है, जहां इसने अपने 2 वीक के रन में 1.02 मिलियन टिकट सेल करते हुए 9.36 मिलियन यूएसडी अर्न कर लिए हैं। अगली न्यूज है डिज्नी प्लस की ओर से, जहां हमें एक डिज्नी प्लस एक्सक्लूसिव एनिमे इसुरा देखने को मिलने वाला है, जो कि एक लाइट नोवेल पर बेस्ड होगा, जिसकी कन्फर्मेशन एनिमे के स्टोरी राइटर ने की है और साथ ही एनिमे के 2 न्यू कास्ट मेंबर भी रिवील किए हैं। जैसा कि हमें पता है कि ऐसा पोकेमोन मास्टर बन गया है और उसकी स्टोरी पूरी हो गई है, पर द पोकेमोन कंपनी ने पोकेमोन का न्यू एनिमे अनाउंस किया है, तो उसी एनिमे से उन्होंने 4 न्यू कैरेक्टर भी रिवील किए हैं, जो कि राइडिंग वोल्टेकर ग्रुप के पार्ट होंगे, जिसे प्रोफेसर फ्रेडी लीड करेंगे। और साथ ही द पोकेमोन कंपनी ने ये भी अनाउंस किया है कि न्यू पोकेमोन एनिमे की हमें मांगा अडैप्टेशन भी देखने को मिलेगी, जिसकी मैगजीन सीरियलाइजेशन 14 अप्रैल से इशू होने लगेगी। अगर आपने सामन किंग एनिमे के बारे में सुना है तो सामन किंग का 2nd सीजन 2024 में देखने को मिलने वाला है और 2nd सीजन के कुछ न्यू कैरेक्टर भी रिवील हुए हैं इसके टीजर में। अगर आपने नहीं सुना इस एनिमे के बारे में तो इसका 1st सीजन आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा, जिसमें टोटल 52 एपिसोड है, तो एक बार चेकआउट कीजिए और बताएं कि कैसा है ये एनिमे। डॉक्टर स्टोन, जिसके 2 सीजन हाल ही में हमें डिज्नी प्लस पर देखने को मिले थे, तो इसी एनिमे का सीजन 3 क्रंचीरोल ने अनाउंस कर दिया है, जो कि 2 कोर्स में एयर होगा और जिसका 1st कोर 6 अप्रैल से देखने को मिलेगा, पर अभी इसकी इंडिया की कंफर्मेशन नहीं हुई है, शायद ये डिज्नी प्लस पर ही आएगा। नारुतो की इंडियन टीवी मार्केट में सक्सेस को देखते हुए अब नए नए प्लेयर इस मार्केट में कूद रहे हैं और इसी दौरान एक न्यू टीवी चैनल लॉन्च हुआ है डिज्नी चैनल HD, जो हमारे लिए ला रहा है एनिमे शोज जैसे डोरेमोन, बेबलेट, पोकेमोन और भी बहुत सारे इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज के साथ भी। ओके फिर दोस्तों, इस वीक के सभी न्यूज यहीं समाप्त होती हैं। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीक कुछ और नई न्यूज के साथ।